हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मैकबुक में मैक ओएस में सफारी ब्राउज़र की हिस्ट्री कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर सफारी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मेनू बार में सफारी का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप टाइम रेंज भी यहाँ पर से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टुडे है, लास्ट आवर है, और यहाँ पर ऑल टाइम भी आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अभी फर्स्ट में जो ऑप्शन था वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऑल टाइम सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। क्लियर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, सफारी ब्राउज़र में हिस्ट्री जो है क्लियर हो गई है। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली मैकबुक में मैक ओएस में सफारी की ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।